महाराष्ट्र में 20 नवंबर को विधानसभा के चुनाव के लिए वोटिंग होनी है। इससे पहले प्रदेश में राजनीतिक सरगर्मियां तेज होती हुई नजर आ रही है। इसी बीच छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम और महाराष्ट्र कांग्रेस के पर्यवेक्षक भूपेश बघेल ने भारतीय चुनाव आयोग को घेरना शुरू कर दिया है। उन्होंने ईवीएम की बैटरी पर भी सवाल खड़े किए, साथ ही कहा कि पाकिस्तान में पहले एम्पायर भी उनके टीम की तरफ से खेलते थे, वैसे ही भारत की चुनाव एजेंसियां बीजेपी की तरफ से खेलती हैं। चुनाव आयोग ने जो बैटरी ईजाद की है वो 60% इस्तेमाल करने के बाद अपने आप 99% हो जाती है, उसका सार्वजनिक प्रदर्शन होना चाहिए। इसके साथ ही पूर्व सीएम ने महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की जीत का दावा ठोका है। बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर को हो रहा है, जिसको देखते हुए निर्वाचन आयोग ने विधानसभा चुनाव की घोषणा की है। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को एक चरण में वोटिंग होगी, जिसके नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। हरियाणा में हार के बाद कांग्रेस महाराष्ट्र में कोई भी जोखिम उठाने के मूड में नहीं दिख रही है, जिसको देखते हुए पार्टी की तरफ से 11 बड़े नेताओं को बतौर पर्यवेक्षक तैनात किए गए हैं। इन नेताओं में भूपेश बघेल के अलावा टीएस सिंहदेव, राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट, पंजाब के पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी सहित अन्य नेताओं के नाम शामिल हैं। कांग्रेस ने महाराष्ट्र के 5 क्षेत्रों के लिए 2-2 पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं। इसके अलावा विदर्भ के लिए 3 पर्यवेक्षक की नियुक्ति की गई है। यहां लोकसभा चुनाव की तरह विधानसभा में भी महायुति और महाविकास आघाड़ी के बीच सीधा मुकाबला होने की संभावना है। फिलहाल देखा जाए तो कांग्रेस हरियाणा में हार के बाद से लगातार ईवीएम को लेकर सवाल उठा रही है, चुनाव आयोग को घेर रही है, लेकिन चुनाव आयोग कई मौकों पर इस बात को लेकर सफाई दे चुका है और कल ही चुनाव आयोग की बैठक थी, जिसमें महाराष्ट्र और झारखंड के तारीखों का, जो विधानसभा चुनाव है उसकी तारीखों का ऐलान किया गया। उस वक्त मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने सीधे तौर पर कहा कि जिसको ईवीएम पर सवाल उठाना है उठाए, हम उसका जवाब देंगे। फिलहाल इस आरोप को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेशनल पॉलिटिकल बाइट के साथ।